hi students welcome back to the channel in this video we are going to cover characteristics of computer network so let's start with the first point that is sharing resources sharing resources as we have discussed in the previous video that with the help of computer network it becomes easier to share data between one or more devices for example this is computer 1 computer 2 and this is computer 3 and if all these computers are connected with the help of internet or any other network then it becomes very easier to share the data between uh, share the data among all these devices right so sharing resources any type of data any type of applications become very easier if we connect all these computer systems with the help of a network we can share any type of application any type of data and any type of resources between num uh, between two or more computer systems second characteristic is easy to access इफ़ यू आर यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क दैन इट बिकम्स वेरी इजियर टू एक्सेस एनी टाइप ऑफ डेटा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैंने इस कंप्यूटर में कोई एक फोल्डर सेव किया हुआ है ए बी सी नाम से एंड ये सभी कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं एंड मैं यही फाइल इस वाले कंप्यूटर की हेल्प से एक्सेस कर सकती हूँ कहीं से भी जरूरी नहीं है कि यह डिवाइस और ये डिवाइस साथ में ही हो ठीक है नेटवर्क की हेल्प से अगर ये दोनों कनेक्टेड हैं तो इट बिकम्स वेरी ईजियर टू एक्सेस दिस फाइल फ्रॉम एनी ऑफ द सिस्टम ओके सो इट बिकम्स वेरी ईजियर टू एक्सेस एनी टाइप ऑफ फाइल और एनी टाइप ऑफ स्टोरेज ओके थर्ड पॉइंट वी हैव इज परफॉर्मेंस its performance okay by measuring the speed of data transmission by measuring the speed of data transmission विद नंबर ऑफ़ यूज़र्स एंड द कनेक्टिविटी एंड द सॉफ्टवेयर यूज़ राइट इसका मतलब ये है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से देख सकते हैं हम परफॉर्मेंस देखने के लिए उसका फर्स्ट पॉइंट है कि स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन कि कितनी स्पीड से डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा है सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे कि नंबर ऑफ यूज़र्स कितने यूजर्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं कितने कंप्यूटर्स यहाँ पे आपस में कनेक्टेड हैं और उनके बीच में किस तरह से डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है कितनी स्पीड से ट्रांसमिशन हो रहा है नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एंड द सॉफ्टवेयर यूज कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेटा को शेयर करने के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो दिस ऑल दिस आर टेकन अंडर परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी ओके विद द हेल्प ऑफ रिलायबिलिटी फीचर इट मेक्स इजी टू यूज़ एन अल्टरनेटिव सोर्स बिकम्स ईजियर टू यूज़ एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डेटा ऑफ डेटा कम्युनिकेशन डेटा कम्युनिकेशन. ओके इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हम लोग जीमेल यूज़ कर रहे हैं ठीक है इस कंप्यूटर सिस्टम पर रेगुलर मैं अपने ऑफिस में जी यूज़ करती हूँ ओके okay, एंड क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद मेरा ये कंप्यूटर ख़राब हो जाता है लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो अगर हम लोगों ने हर एक चीज़ नेटवर्क पे स्टोर की हुई है अपने कंप्यूटर की हर एक चीज़ जी मेल स्टोर की हुई है सो इट बिकम्स वेरी ईजियर टू एक्सेस ऑल दीज डेटा फ्रॉम अ डिफरेंट कम्प्यूटर सिस्टम ओके यही मतलब है कि अगर हमने जी मेल पर सब कुछ सेव किया हुआ है तो हम किसी दूसरे कम्प्यूटर पर अपनी जी मेल आई डी को लॉग इन करके सारा डेटा वापिस एक्सेस कर सकते हैं ओके सो दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क सो जब भी हम लोग नेटवर्क यूज़ करते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी जो है वो हाई होनी चाहिए नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज स्केलेबिलिटी स्केलेबिलिटी ओके स्केलेबिलिटी इंक्रीजेज द सिस्टम परफॉर्मेंस इट इंक्रीजेस सिस्टम परफॉर्मेंस सिस्टम्स परफॉर्मेंस बाय एडिंग बाय एडिंग मोर प्रोसेसर्स इसका मतलब ये है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को और भी ज्यादा स्केलेबल बना सकते हैं अगर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम पे चाहे वो मोबाइल हो या फिर वो कंप्यूटर सिस्टम हो वहाँ पे हम लोग क्लाउड की हेल्प से एक्सटर्नल प्रोसेसर्स को यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारे कंप्यूटर की स्केलेबिलिटी का लेवल हाई हो जाता है लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सिक्योरिटी दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क वेयर यू कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर प्रोटेक्टिंग योर डेटा फॉर प्रोटेक्टिंग Your data from unauthorized from unauthorized access. ओके दिस इज़ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग दो ये कंप्यूटर सिस्टम हैं इनके बीच में डेटा को शेयर करने वाले हैं ओके okay? लेकिन यहाँ पे बीच में कहीं अनऑथोराइज यूज़र बैठा हुआ है जो कि हमारे डेटा को देख रहा है जो कि हमारे डेटा से हमारी हर एक चीज़ को यूज़ कर रहा है ओके सो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करते समय हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग किस लेवल का सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में So, all these are the basic characteristics of computer network. I hope you like this video. Thank you so much for watching this.